हाय दोस्तों, देखिए इसके पिछले वीडियो में मैंने इसमें बताई थी कि तोरण कैसे बनाते हैं, जो ये फ्लावर का बना बताए थे उसमें जो प्लास्टिक के सांचे पे बना हुआ है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने इसका प्रोसेस बताई हूँ। इसमें देखिए, पहले मैंने स्वास्तिक का एक पट्टी, तोरण पट्टी बनाई है। ये मैं बताने के लिए छोटा बनाई, इसमें आप बड़ा कर सकते हैं, जितना आपका मन रहेगा, जितना आपकी इच्छा है उसके अनुसार इसको लंबा कर सकते हैं। तोरण पट्टी आप अपने गेट के अनुसार रखिएगा। देखिए इसमें मैंने एक अभी बना के रखी हूँ पहले से, और इसका आसान तरीका बताती हूँ कि कैसे इसको लगाना है। पहले इसमें अपने इच्छा अनुसार जहाँ आपको चाहिए लेना है उसमें दो चैन लेना है। पहले दूसरे धागे को यहाँ से बांधना है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें दो चैन लेना है। देखिए 1 2, इसके बाद इसमें क्या करना है, जितना ये लंबा रखना है आपको, ये कली बन रहा है 1 2, इसको क्या होता है, इसको निकाला जाता है, मगर इसमें है कि नहीं निकालना है। इसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना है 2 3, ये देखिए 4 4 को एक बार में हमें इसको निकालना है, 1 हो गया। फिर दो चैन लेना है 1 2, इसी के तरह फिर इसको 4 टाइम करना है 1 2 3, नेक्स्ट 4, फिर इसको निकाल लीजिए ऐसे। फिर दो चैन लेना है 1 2, फिर उसी तरीके से 1 2 3, ये देखिए 4, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको जितना लंबा इसको करना है उसके अनुसार आप कीजिएगा 1 2, थ्री फोर, देखिए इतना हो गया। एक बार और मैं ले लेती हूँ, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा 1 2 3 4, देखिए। अब इसको क्या करना है, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इतना ही डाली हूँ, नहीं तो आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। अब इसको यहाँ से इस धागे को काट लेना है, इसको निकाल लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसके और भी तरीके हैं मगर मैं आसान तरीका इसमें बताई। अब ये जो बनाया हुआ फ्लावर है इसको क्रूसिया के सहारे, देखिए ऐसे करना है, इसमें देखिए ग्रीन का धागा इधर आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से इसको खींच लेना है। ये हो गया, एक फ्लावर यहाँ जाके लगा देंगे, ठीक है। ये जो नोट जैसा बना हुआ ना, यहाँ पे फ्लावर रखना है, यहाँ यहाँ सब जगह। फिर दूसरे फ्लावर को उसी तरीके से करेंगे, इसमें नोट नहीं है, ये आसान है। देखिए इस तरीके से ये दूसरे नोड में यहाँ गया 2 फ्लावर। फिर तीसरा को भी उसी तरीके से करना है, ये छोटा है इसीलिए बार बार निकल जा रहा है।
सॉरी टूट गया ये। इसी तरीके से ये हो गया, फिर दूसरे को भी ऐसे ही करना है। इसमें थोड़ा धागा बांध लेती हूँ मैं। देखिए दोबारा मैंने इसमें धागा बांध दी है, इसको कट कर लेते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बाद में हम बता देंगे कि क्या करना है। देखिए दोबारा फिर इसको इसी तरीके से करना है। ये हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एक और फ्लावर जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल। देखिए हो गया, ये निकलेगा नहीं, थोड़ा टाइट है। अब एक लास्ट फ्लावर और इसमें डालेंगे। ये मेरा लास्ट हो गया। अब ये इसमें क्या करना है, येलो कलर का ऊन या आपको जैसा कलर पसंद है इस तरीके से थोड़ा सा फ्लावर उसमें लगा देना है, जितना आप पर ऐसे काट लेना है। इसमें इसको ऐसे बांधिए, इससे है कि लास्ट वाला है वो निकलेगा नहीं और देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से इसको टाइट करके इसमें बांध लेना है। ठीक है, इसको यहाँ से हम टाइट करके बांध लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसके चाहे तो एक बार और बांध लीजिए, एक दो बार, ये खुले नहीं इस तरीके से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा है ये, इसको एक जगह पकड़ कर इसको बराबर कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा ये तोरण का तोरण पट्टी। और इसमें आपको जितना लंबा जैसा बनाना है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बनाई हूँ। देखिए अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है अगर ये बड़ा में बनेगा तो। थैंक यू फॉर